नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का नए साल में अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आज नया साल है, इस उपलक्ष्य में आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में धन लाभ और सुख सब कुछ आ जाए, आपका जो जॉब है वो सिक्योर रहे, जिसके पास नहीं है उसको मिल जाए, और आपका जो कारोबार करते हैं उनका कारोबार चलता रहे। ऐसे ही ये हो गई आज नए साल की बात। सुबह मैंने आप सब लोगों के सामने एक मजाक किया था, एक वीडियो डाली थी जो एक साल पुरानी न्यूज थी, उसको चलाया था। कुछ बच्चे तो समझ गए थे कि सर अप्रैल फूल का गेम खेल रहे हैं। उन्होंने लिखा भी सर ये एक साल पुरानी है, तो उन्होंने खुल के नहीं बोला, लेकिन वो समझ गए थे यस सुबह जो वे न्यूज थी वो फेक थी, एक साल पुरानी थी। केवल 1 अप्रैल के उपलक्ष्य में आप लोगों के साथ हल्का फुल्का मजाक करने के लिए मैंने वो डाली थी, और मैंने तभी डिलीट कर भी दी थी 2-2.5 घंटे के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब एक अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ वहाँ पर चले, क्योंकि किसी को क्या पता कि आज 1 अप्रैल मैंने किस उद्देश्य से उसको डाला था, तो मैंने वो फिर डिलीट कर दी थी। तो कुछ बच्चे समझ गए थे, उन्होंने कमेंट्स भी किया था कि सर ये तो पुरानी लग रही है। नहीं, पुरानी नहीं, ये आज ही की है। तो चलो नो प्रॉब्लम, अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स आए उस पर। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए, हम और आप, हमारा आपके बीच में ज़्यादा सीरियस बातें नहीं होनी चाहिए, कभी हल्की फुल्की इस तरह से जोक भी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे बड़ी बात है आज नया साल है, आप सब लोग इस नए साल को एक ऐसा साल बनाएं कि आपका जीवन सुखमय हो जाए। सबसे बड़ी बात है JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, इसकी लास्ट डेट है 29 अप्रैल। जो बच्चे MA में 50% मार्क्स हों और जिनका नेट स्लेट या सेट क्लियर हो वो इसमें भर सकते हैं। 96 पोस्ट है, सब्जेक्ट वाइज आप JNU.com पर जाकर वहाँ पर एडवाइज देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, जो इसके लायक हैं वो तो जा सकते हैं फॉर हायर पोस्ट। चलिए, तो ये था आज का एक बहुत ही अच्छी एक पोस्ट जो निकली थी उसके बारे में। रही बात DSSB, MCD, PRT और DOE, DOE का रिजल्ट भी आने ही वाला है, ऐसे ही आ जाएगा जैसे ये आया था, कि कोई हमारा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी और वो आ गया था। ऐसे ही KV आने वाले हैं, लगे हुए हैं KV वाले, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आप सबका नंबर आए और आप जल्दी से जल्दी टीचर बन जाएं। MCD PRT वाले कोई चिंता ना करें, उनका रिजल्ट आ गया है, अब उनका कोई ऐसा आदेश नहीं आएगा कि वो अध्यापक ना बन गए। तो इसलिए आप सब लोगों को नए साल में नई नौकरी मुबारक। नमस्कार, जय हिंद।